अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, वेलकम करते हैं जी आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो उन तक बआसानी पहुँच सके और हर उस इंसान के लिए मुफीद साबित हो सके जिसको इसकी नीड होती है, जिस चीज़ से रिलेटेड हम उन्हें आगाह करते हैं। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ऐप लेके आ रहा हूँ एडिटिंग से रिलेटेड, आपको एक ऐसी ऐप बताने जा रहा हूँ एडिटिंग से रिलेटेड कि जिसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हैं। मीन्स आपको हैवी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग उसमें होती है। और अगर मैं ये बात कह दूँ कि अनमोल चीज़ है वो एडिटिंग में, तो बिल्कुल इसी तरह अनमोल चीज़ है। वो कौन सी ऐप है, वो क्या चीज़ है, वो किस तरह इस्तेमाल होती है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट बताऊँगा। आज हम जो ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पिकआर्ट है। पिकआर्ट उसका फ्री ट्रायल भी होता है और उसके बाद उसका जो है ना पेड भी वर्जन होता है। तो अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं ख़ुद जो भी पिक्चर्स एडिट करता हूं या कोई भी दोस्त कहता है कि मुझे एक बेस्ट पिक्चर्स जो है ना जिस एडिटर होती हैं वो ऐप बताएं, तो मैं उनको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ पिकआर्ट। उसकी रीज़न क्या है, कोई भी आप एडिटिंग से रिलेटेड ऐप्स उठा के देख लें आपको उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, पहली तो बात ये है। हाँ ये है कि जो पिकआर्ट है इसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है बंदे को इस पर ग्रिप हासिल करने को। उसके अंदर आपको अरेज़र भी मिल जाता है, डिफरेंट ब्रश मिलते हैं, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, हाईलाइट, मतलब डिफरेंट जो है ना वो आपको उसके अंदर ऐसी ऐसी जो है ना क्वालिटीज़ मिलेंगी उसके अंदर जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इस ऐप के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। और बाकी ये बात हकीकत है कि जब इंसान ये स्टार्ट करता है ना कोई भी चीज़, वो फर्स्ट टाइम उस पर ग्रिप हासिल ही नहीं कर पाता। और मैंने खुद पिकआर्ट से एडिटिंग की है, तो जस्ट वन टाइम फर्स्ट टाइम आप जब वर्क करते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है कि उसके थोड़े फीचर्स डिफरेंट हैं, उनको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए। तो उसको किस तरह उस पर ग्रिप हासिल की जाए, फर्स्ट टाइम आप उस पर पूरे फीचर्स को व्यू करें। जब आपने फ़ीचर्स को व्यू कर लिया तो फिर आप उनको कंप्लीट जो है ना वो एक बार कोई भी एक पिक्चर लें अपनी गैलरी से और उस पर वर्क करते रहें। जब जितनी बार आप उस पर काम करेंगे, मतलब कि ये है कि अगर आपने वन टाइम काम करके छोड़ दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। जितनी बार आप उस पर वर्क करेंगे, बार बार उस पर वर्क करेंगे, आपको उतनी उस पर ग्रिप हासिल होती जाएगी। और जितनी आपको उस पर ग्रिप हासिल होगी उतनी आप उससे जो है ना अच्छी पिक्चर रेडी कर सकेंगे। अच्छी उसमें एक प्रोफेशनल लेवल की ऐप है वो एडिटिंग से रिलेटेड, मतलब उसमें आपको हर हेयर जो है इनको मतलब सेट करने का ऑप्शन मिलता है, फेस को सेट करने का ऑप्शन मिलता है, स्किन को सेट करने का ऑप्शन मिलता है। मीन्स के मैं अब आपको क्या बताऊँ कि एक प्रोफेशनल लेवल की चीज़ है वो, उसमें आपको हर किस्म का फीचर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी उस पर ग्रिप हासिल करना मुश्किल है। अगर आप उस पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में या किसी और चीज़ में पिक्चर एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कोई उसकी इतनी बड़ी ऐप नहीं है, वो इतने ज़्यादा MB की जस्ट मेरे ख्याल से
200 MB की वो ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करें और एडिटिंग के मज़े एंजॉय करें, उससे अपनी पिक्चर्स एडिट करें। लेकिन ये है कि जस्ट वन टाइम आप उस पर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते, कब ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ करेंगे उतनी आपको ग्रिप हासिल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।